देखो जी साथियों, ये आ रहा है देखो एसएससी का एस्पिरेंट, जिसका फिजिकल 15 अप्रैल के बाद में स्टार्ट होगा इसका। देखो छात्रों, हम अभी इससे बात करेंगे कि फिजिकल में क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ हमें सावधानी रखनी चाहिए। छात्र रुको, लड़के 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 रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल AKV एकेडमी में। और मैं आपको दिखाना चाहता था कि रियल टाइम पे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो SSC GD की और फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, ताकि आपको उसका रियल एक्सपीरियंस मिले। अभी यहाँ हमारे पास में एक मैदान है जहाँ पे लोग तैयारी करते हैं, छात्र तैयारी करते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये तो हम मैदान में पहुँच चुके हैं। अभी सुबह का टाइम हुआ है, 10:51 हुआ है, 10:51 हुआ है। और हमारे साथ में चिंटू हैं जो कि अभी SSC GD के एस्पिरेंट हैं, ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनका बहुत अच्छा स्कोर आया है रिटन एग्ज़ाम में। तो चिंटू, कितना आपका रिटन में कितना है, वो आया मार्क्स कितना है? 120 है। 120 हम बोल सकते हैं एकदम सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर इसलिए बोल सकते हैं कि मुझे नहीं लगता मेरिट में मेरिट इससे ऊपर जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको सेफ स्कोर बोला है। आज हमारे साथ में चिंटू है। चिंटू अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उनका डेली का रूटीन क्या रहता है, वो अपना डाइट प्लान क्या रखते हैं, और वो जो रनिंग करने आते हैं प्रैक्टिस करने, उसका टाइम वो क्या रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं चिंटू से। तो चिंटू, सबसे पहले आप ये बताएं, आपने इस टाइम को क्यों चुना है दौड़ मारने के लिए, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए? इस टाइम को इसलिए चुना गया है क्योंकि जब हमसे दौड़ लगवाएंगे तो उसका टाइम कोई फिक्स नहीं है, वो किसी भी टाइम हमसे लगवा सकते हैं। तो हमें आदत होना चाहिए दौड़ को मारने का दोपहर में। ठीक है, तो चिंटू का बोलना है कि जब आप वहाँ रनिंग करने जाओगे, जब दौड़ मारने जाओगे, ग्राउंड में होगे, तो मैंडेटरी नहीं है कि आपको वो सुबह, जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे छात्र सुबह में 6 बजे या शाम को 6 बजे प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं वो तरीका सही नहीं है। जैसा चिंटू ने भी अभी बताया, वो तरीका सही इसलिए नहीं है, तो हो सकता है आप जब वहाँ रनिंग करने जाओगे दोपहर के 12 बजे हो सकते हैं, 2 बजे हो सकते हैं, तो आप अपने आप को इस तरह से यूज टू कर लें। आपको अगर वो दोपहर में एकदम भरी दोपहरी में भी बोलें तो आप उस टाइम पे भी अपनी दौड़ मार सको। तो ठीक है चिंटू, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं बात करना चाहूँगा आपके डाइट प्लान के बारे में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता कि डाइट में क्या रखना है क्या नहीं रखना। वो अगर रनिंग करते हैं तो उनके घुटने में दर्द बताते हैं, सीने में बताते हैं, तो आप अपनी थोड़ा डाइट के बारे में बताइए। डाइट यही है, सुबह को उठने पर मैं अंजीर और ड्राई फ्रूट्स और ये अंकुरित चने वगैरह खा लेता हूँ, और फिर रनिंग के लिए आ जाता हूँ। उसके बाद में जाके घर का खाना खा लेता हूँ और मट्ठा वगैरह यूज़ करता हूँ, मतलब फास्ट फूड तो मैं यूज़ करता ही नहीं बिल्कुल। तो चिंटू का मानना है कि आप अपनी डाइट को जितना देसी रखोगे, जितना हेल्दी फूड लोगे, आप जितना हो सके जो जितने भी हमारे बाहर के फूड होते हैं, स्ट्रीट फूड होते हैं, आप उसको जितना कर सकते हैं अवॉइड करें। तो चिंटू, आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी एस्पिरेंट को या जो अभी जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग SSC GD फिजिकल की, अगर वो अपना मतलब स्टैमिना इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो किस तरह कर सकते हैं, कोई टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लंबी दौड़ मारना चाहिए, क्योंकि अगर हम 5 किलोमीटर की हमारी रनिंग होती है उसको ही कंटिन्यू लेके चलेंगे तो हमारा इतना ज़्यादा खास होगा नहीं। हमें अपना सांस बनाने के लिए लॉन्ग लॉन्ग रनिंग करनी चाहिए, और डेली का तो अपना पता ही है दोपहर को भी। तो आप तो चिंटू, जैसे आप रनिंग की प्रिपरेशन करते हो, रनिंग की प्रिपरेशन करने टाइम पे आप जब स्टार्ट करते हो अपना रनिंग करना, तो आप स्टार्टिंग से ही तेज़ दौड़ते हो या फिर उसका भी कोई मेथडोलॉजी होती है? नहीं, तेज़ तो नहीं दौड़ते, पहले तो हम स्ट्रेचिंग करते हैं और फिर उसके बाद में हम वार्म अप के राउंड लेते हैं, 4-5-6 तक भी चले जाते हैं, फिर उसके बाद में अपनी रनिंग करते हैं अपनी। और ये जो आप जब रनिंग मारते हो, जब प्रिपरेशन करते हो, दौड़ते हो, तो उसमें आप जो आपके जो कदम की जो प्लेसिंग होती है, वो कदम किस तरह रखते हो? कदम हम इतना रखते हैं कि नॉर्मल हो, ज़्यादा हाई भी नहीं हो, जिससे हमारी ज़्यादा स्ट्रेच, मतलब टांगों पे स्ट्रेच हो जाए, और कम भी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात बताई है इन्होंने। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने ध्यान में रख के अपने प्रिपरेशन कर सकते हो रनिंग की, फिजिकल की। तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने रनिंग कर ली, आपने जितने भी आपको राउंड मारने, नंबर ऑफ राउंड, सपोज आपने 5 किलोमीटर रनिंग कर ली, उसके बाद अपने अपनी बॉडी को आप कूल करने के लिए क्या करते हो उसके बाद? उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं और फिर कूल डाउन करते हैं बॉडी को, फिर तब घर जाते हैं। आपका कहना है कि बॉडी को स्ट्रेच करो और थोड़ा बहुत जितना हल्का फुल्का आप एक्सरसाइज कर सकते हो तो वो ज़रूरी है। वो ज़रूरी है ना? हाँ, वो मैं भी मानता हूँ। आप कोई बहुत ही हार्ड वर्क करके आ रहे हो, लाइक रनिंग में बहुत ज़्यादा
स्ट्रेंथ लगती है, स्टेमिना लगता है, तो उसके बाद आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा यूज टू करने के लिए स्ट्रेचिंग और मतलब एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बहुत ठीक है चिंटू, अभी आपको आपके सामने दिखाएंगे वो एक्चुअली रनिंग के बाद करते क्या हैं। तो ठीक है चिंटू, थोड़ा सा एक डेमो दिखा दो स्टूडेंट्स को ताकि हेल्प मिले। चलो ये पुश अप कैसे मारते हो आप? देखो इसमें पुशअप्स में आप ध्यान रख सकते हैं कि इनकी पोजीशन क्या है, पोस्चर आपको एकदम स्ट्रेट रखना है। बहुत से स्टूडेंट करते क्या है वो अपना जो ये थ्री चलो ठीक है। देखिए तो आप जब पुशअप्स मारते हैं तो पुशअप्स मारने के कई सारे फ़ायदे हैं, उनमें से सबसे बड़ा फ़ायदा जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं या फिर जैसे एसएससी जीडी में जब आप रनिंग करने जाओगे तो वहाँ पे आपकी चेस्ट की नपाई होती है, तो पुशअप्स मारने से ये होता है कि जो आपकी चेस्ट है वो इंक्रीज़ होती है, प्लस अगर आप पुशअप्स मारते हैं तो पुशअप्स से बैक भी इंक्रीज़ होती है। चेस्ट और बैक जब इंक्रीज़ होगी तो आपकी जो चेस्ट का साइज़ है वो कम निकल ही नहीं सकता। एक फ़ायदा और होता है इसका कि शोल्डर की जो शेप है वो अच्छी होती है पुशअप्स मारने से। तो ये कहेंगे कि चिंटू अपने जो बीम मारते हैं या फिर जो चिनअप्स मारते हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? चलो बट चल तो ठीक है साथियों, आप देख सकते हो किस तरह से आपको चिनअप्स की प्रिपरेशन करनी है और कितने नंबर ऑफ चिनअप्स आप मार के डेली अपना प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को। चिनअप्स मारने से सबसे ज़्यादा जो बॉडी स्ट्रेंथ है मैं मानता हूँ वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है एसएससी जीडी फिजिकल में। स्ट्रेंथ आप जितना इंक्रीज़ करके लेके जाओगे उतना ही कम है, क्योंकि वहाँ पे आपको लाखों में स्टूडेंट्स मिलेंगे जो आपके साथ कम्पीट करेंगे। तो ठीक है साथियों, इन्हीं चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। चिंटू का बहुत अच्छा स्कोर है, 120 स्कोर किया है उसने, और फिजिकल की मैं प्रिपरेशन दिखा चुका हूँ, बहुत अच्छी तैयारी है चिंटू की। तो आशा करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलवाएंगे चिंटू को फौज की वर्दी में। तो ठीक है चिंटू, कुछ और मैसेज देना चाहोगे आप स्टूडेंट्स को? नहीं और कुछ नहीं, बस आपकी कृपा लग जाए तो अच्छा रहेगा। लगे तो चिंटू का बोलना है लगे रहो प्रिपरेशन में, हार नहीं माननी है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।